जब ये 200 रन का मैच चल रहा है, क्योंकि शारजा में हम अनुमान लगा रहे हैं सारे, क्योंकि कैसी विकेट होगी वो तो भगवान जाने, लेकिन अनुमान यही होता है कि 200-220-230 रन का मैच चल रहा है, तो अगर आपके पास कोई एक्सप्रेस पेस का गेंदबाज हो ना, कभी कभी ये हो सकता है कि जब कोई बल्लेबाज थोड़ा सा शॉर्ट बॉल पे तकलीफ हो, कि कोई ना कोई तो चीज आप टारगेट कर सके, क्योंकि जो फ्लैट विकेट होती है ना उसमें दो ही तरह बच सकते हो आप, और जो प्योर पेस गेंदबाज होते हैं ना वो अटैक कर सकते हैं, क्योंकि अच्छी विकेट कौन सी कहते हैं कि जिसमें हमें बॉल आता है, स्किड करता है, तो अगर वो शॉर्ट लेंथ रखे और बल्लेबाज को अगर बैकफुट पे ही खिलाने की कोशिश करे, एटलीस्ट आप आधा गेम निकाल लेते हैं, जो फ्रंट फुट से भी रन बना सकते हैं, तो ये एक सोच हो सकती है। और दूसरा कि आर्चर के साथ, नहीं तो क्या है कि आपको आर्चर के ओवर बचा के रखने पड़ते हैं उन बल्लेबाजों के लिए कि जो शॉर्ट गेंद इतना अच्छा नहीं खेल पाते या थोड़ी तकलीफ होती है, तो अब आप आर्चर को भी अलग तरह से यूज कर सकते हैं, तो चॉइस है, क्योंकि अंकुश राजपूत को हमने देखा, उन्होंने अपनी लाइन लेंथ, वो अच्छे गेंदबाज है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन पेस में इन दोनों का बहुत फर्क है। और अगर रिस्क ले ही रहे हो तो एक तरफ उन्होंने रिस्क लिया है टाई के साथ, जो यू नो स्लो करेंगे गेंद को, दूसरी तरफ रिस्क लिया है, मैं प्रिफर करता हूं ऐसी डिसीजंस, बिकॉज जो फ्लैट विकेट है ना उसमें लाइन एंड लेंथ बॉलर बेचारा फंस ही जाता है, क्योंकि बैट्समैन उसको अड़क के ले लेता है। इसमें क्या है कि आपने चांस लिया है कि किसी भी ओवर में ये शायद दो उड़ा के भी दे दे आपको, मार तो सब खा रहे हैं। वैसे प्रज्ञान, उम्मीद करते हैं कि आज आर्चर साहब से पहला ओवर तो कराएं, एटलीस्ट थोड़ा तो रैटल करें उनके टॉप ओपनिंग बल्लेबाजों को। जी, आर्चर को भी देखेंगे और वरुण नारायण को भी देखेंगे। वरुण नारायण पाजी एक ऐसे बॉलर हैं, मैं जितना उन्हें देखा हूं, वो जब आपके लिए बॉलिंग करते हैं और लय में लगते हैं तो उससे बड़ा बॉलर आपको दिखता नहीं है, जो पेस से डालते हैं, जैसे बैट्समैन को भगाते हैं, लेकिन उनकी एक कमजोरी है पाजी, वो जब फिर लय में नहीं लगते हैं, वो बिल्कुल ओपोनेंट के लिए खेलते हैं, तो मैं आशा करता हूं वो ऐसे ना करें। मैंने ये बोला भी था अमूल मुजंदर जो मेरे साथ डोमेस्टिक क्रिकेट में कमेंट्री कर रहे थे, मैंने कहा वरुण नारायण का यही एक प्रॉब्लम है, अगर वो इसको सॉल्व कर दें तो मुझे नहीं लगता उनका जो पेस है, जो मैंने देखा है पाजी झारखंड के जो डेड विकेट पे जिस तरीके से वो कैरी कर रहा था उनका बॉल, वो बहुत बड़े स्तर के बॉलर मैं मानता हूं, मेरा जितना नॉलेज है, लेकिन उनका यही सबसे बड़ा वीकनेस है, जब बॉलिंग करते हैं अपनी टीम के लिए बेहतर लगते हैं, लेकिन काफी बार वो ओपोनेंट के लिए भी बॉलिंग कर देते हैं, जिससे मतलब इतना सारा रन देते हैं कि मतलब फिर भरपाई नहीं हो पाता है। तो आज वो राजस्थान उम्मीद कर रही होगी आज अपने लिए करें, क्योंकि जो बाकी के बॉलर है ना वो या तो इस विकेट पे प्रॉब्लम ही है ना, कि इस विकेट में क्या हो रहा है कि जो भी गेंदबाजी कर रहा है ओपोजिशन उसको पेल ही रही है, तो इसका वो एक रिस्क जो चांस है, मुझे ये लगता है कि वो रिस्क लेना गेंदबाज के साथ अच्छा है, इसमें कोई डाउट, अब तो आखिर में तो देखते हैं वरुण अरुण कौन सी स्पिरिट चलाते हैं।